हाँ देखिए <coughs> ये हम लोग लास्ट क्लास में अर्थ सैटेलाइट पढ़ रहे थे ठीक है और इसमें हमने देखा था कि अगर ये अर्थ है जिसका रेडियस कितना है आर ई है और वहां से एच हाई टू पर अगर आप किसी एम मास का सैटेलाइट लॉन्च करते हैं किसी वी वेलोसिटी से वी स्पीड से तो इसके ऑर्बिट के रेडियस को अगर हम लोग आर मान लें ऑर्बिट के रेडियस का क्या मतलब हुआ ऑर्बिट से सेंटर के बीच का डिस्टेंस है कि नहीं तो इस R को हम लोग लिखते हैं R प्लस h ठीक है अब हमने वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो आया था अंडर रूट G M डिवाइडेड बाई कितना या तो आप R लिख दीजिए और ना तो आप लिखिए अंडर रूट G M डिवाइडेड बाई R प्लस h ये लिख दीजिए ठीक है उसके बाद

जो एकदम धरती के सरफेस से सटा हुआ हो इस पेन को मैं सेटेलाइट बनाना चाहता हूँ तो इसका मतलब हुआ कि मैं हाइट कितना लेना चाहता हूँ अरे धरती के सरफेस पे अगर सेटेलाइट लॉन्च कर रहे हो तो हाइट कितना ले रहे हो धरती के सरफेस पर तो हाइट कितना ले रहे हो जीरो ले रहे हो तो अगर ये देखे थे ना लास्ट में जाते जाते हम लोग जीरो वेलोसिटी निकल के आया था वो आया था तुम्हारा आठ किलोमीटर पर सेकेंड और बाबू टाइम पीरियड आया था कितना पचास मिनट इसका मतलब हुआ डेढ़ घंटा से पांच मिनट कम मतलब ये था कि अगर इस पेन को मैं एट किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंक दूं तो ये पेन एक सैटेलाइट की तरह बिहेव करेगा और लगभग डेढ़ घंटे में धरती का एक चक्कर लगा के ये फिर वापस आ जाएगा ये हम लोगों ने देखा था और कुछ देखा था क्या हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं ना किए थे हम लोग ये चलिए कोई बात नहीं है पढ़ते हैं अ प्लेनेट मार्स हैज टू मून्स मार्स के पास दो मून है एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है हाँ डेमोस या डेलमोस कह सकते हैं ठीक है फोबोस का टाइम पीरियड है सेवन आर थर्टी नाइन मिनट्स एंड एन ऑर्बिटल रेडियस नाइन पॉइंट फोर इंटू टेन टू किलोमीटर इसका मतलब हुआ कि अगर ये मार्स है क्या है हाँ तो मार्स के मास को हम लोग मास ऑफ मार्स एम लिख सकते हैं क्या अरे हम लोगों ने जो पढ़ा है वो अर्थ के लिए पढ़ा है तो जनरली हम लोग मास ऑफ अर्थ लिया करते थे लेकिन अब की बार प्लैनेट मार्स ना है ऐसा लिख लिया हमने अब इसका जो सैटेलाइट है जिस जिसके बारे में कहा जा रहा है वो कौन सा वाला है फोबोज है ना तो एक सैटेलाइट ले लीजिए इसको आप डिनोट कर दीजिए पी से पी स्टैंड फॉर फोबोज ठीक है और इसको लॉन्च हमने थोड़े किया भगवान ने किया है हाँ इसको जो लॉन्च किया गया है कौन से रेडियस में बोलिए रेडियस है 9.4 पॉइंट फोर इंटू टेन टू दावर थ्री किलोमीटर ना है तो लगे तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये 10 टू दावर सिक्स मीटर हो जाएगा ना अच्छा टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है बोलिए तो ये दिया हुआ है सेवन आर्स और कितना थर्टी नाइन मिनट दिया हुआ है तो बाबू इसको भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड में क्योंकि ये जो घंटा है चाहे मिनट है वो टाइम का ऐसा यूनिट थोड़े है तो जब तक आप चीजों को ऐसा यूनिट में पुट नहीं करिएगा आपको आंसर भी ऐसा यूनिट में नहीं मिलेगा तो सेकंड में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे बोलो ना इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 सौ बीस, चारसो बीस। अच्छा मतलब वो ठीक है ये बता रहे हो हमको लगा कि अपना आइडेंटिफिकेशन दे रहे ठीक है।, है पहले सात साठ से मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट में ना बदलेगा फिर साठ से मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड में बताए तो ये हो जाएगा सात गुना साठ गुना साठ और उसमें तुमको जोड़ना होगा थर्टी नाइन पहले से मिनट में है तो इस थर्टी नाइन को बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिक्सटी से और ये कन्वर्ट हो जाएगा कि उसमें बताइए सेकंड में हो जाएगा ठीक है अच्छा अब आपसे आगे कह रहा है कि कैलकुलेट दी मास ऑफ फर्स्ट पार्ट का, आगे होगा इसका हम कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने पढ़ा है टी का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर अरे बोलो डिवाइडेड बाई जी और एम ई पढ़ा है हम लोगों ने तो यहां पर भी हम एम ई लिखेंगे क्या यहां पर हम क्या लिखेंगे एम एम लिखेंगे हम लिखेंगे मास ऑफ मार्स और उसके बाद आर का क्यूब करना होता है हाँ तो ठीक है आर आर तो आपको दिया ही हुआ है आप R का क्यूब कर लीजिए बताइए इस पूरे फोटो में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता है आपको टाइम पीरियड क्वेश्चन ने दे दिया है फोर पता ही है पाई की वैल्यू पता ही है जी की वैल्यू पता ही है मास ऑफ मार्स भी क्वेश्चन ने दे... नहीं 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 सॉरी 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 ये नहीं दिया यही तो आपको निकालना है एक्चुअली तो ये नहीं पता और फिर रेडियस भी आपको क्वेश्चन ने दे ही दिया है इतना है, है कि नहीं तो यहां से अगर हम चाहें तो क्या मास ऑफ मार्स नहीं निकाल सकते हैं फोर पाई स्क्वायर आर का क्यूब डिवाइडेड बाई जी इंटू कितना टी का स्क्वायर तो ये एक ऐसा कैलकुलेशन है जो यहां बोर्ड पे करना पॉसिबल नहीं है ओ माई गॉड हम लोग कर सकते हैं क्या है? ऐसा कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगेगा बोलिए ना आप एकदम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा बताइए तुम लोग एक घंटा लेट से आ रहा है कोई बात नहीं देखो इधर ठीक <coughs> है क्वेश्चन ये था कि मार्स के दो इसमें से फोबोज का जो टाइम पीरियड है जैसे हमारा मून तो चांदना है बोलो ना हम अपने मून को मून ही कहते हैं लेकिन मार्स के मून को बोला गया है फोबोज एंड डेल्मोज ठीक है फोबोज का टाइम पीरियड कितना है सात घंटा उनचालीस मिनट तो पहले मैंने टाइम पीरियड को कन्वर्ट कर लिया है किसमें

तो फॉर्मूला हम लोगों ने कल पढ़ा था टी होता तो हम एम ई लिखते हैं लेकिन मार्स है तो हम लोग एम mm एम लिखेंगे और फिर आर का क्यों पढ़ा था हम लोगों ने मैं कह रहा था कि इसमें अगर आप एमएम mm को इधर लेके आइएगा इसको इधर लेके जाइएगा तो आपको सारी चीजों की वैल्यूज पता है फोर पता है पाई पता है आर भी पता है क्वेश्चन ने दिया है जी की वैल्यू हमको पता है और टी की वैल्यू क्वेश्चन ने दिया है तो हम पुट कर लेंगे और ऑब्वियसली ये कैलकुलेशन मामूली कैलकुलेशन नहीं है मतलब एक तो क्यूब करो फिर स्क्वायर करो फिर स्क्वायर करो फिर मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो समझ रहे हो मतलब अगर कॉपी पेन लेके अपने से करने की कोशिश करो तो दस पंद्रह मिनट समय इसमें लग जाएगा उससे बढ़िया है कि आप कैलकुलेटर का यूज कर लीजिएगा एनसीआर के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको आजादी देते हैं कि आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं एग्जाम में कभी भी पूछेगा तो इतना घटिया डेटा नहीं देगा या तो तुम तुमसे इसी फॉर्म में आंसर पूछ लेगा बोलो ना बोल देगा कि हाँ उसका रेडियस आर है ना टाइम पीरियड कितना है टी है तो बताइए कि मास ऑफ मार्स कितना होगा तो डायरेक्ट इसी फॉर्म में या तो आपसे पूछ लेगा और नहीं तो अगर डेटा भी देगा तो ठीक ठाक डेटा देगा जो कि मैक्सिमम दस दस पंद्रह बीस सेकंड में आपसे सॉल्व हो जाए ठीक है तो कोई बात नहीं हम पुट करके आंसर ला लेंगे ना जो भी हाथी घोड़ा आ जाए ठीक है दोबारा समझना है क्या ये आगे बढ़ते हैं इसका सेकेंड पार्ट कहता है कि अज्यूम अर्थ एंड क्या मार्स अर्थ और मार्स जो कि, कि किसका चक्कर लगाते हैं सूरज का चक्कर लगाते हैं ठीक है मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड सन एक्चुअल में देखा जाए तो ऑर्बिट थोड़ा सा इलिप्टिक होता है इलिप्टिकल होता है लेकिन बोल रहा है कि आप लगभग आप सर्कुलर मान लीजिए उसको विथ द मार्सियन ऑर्बिट बीइंग वन पॉइंट फाइव टू टाइम दर्बिट ऑफ ऑर्बिटल रेडियस ऑफ क्या अर्थ मैंने अर्थ का जो रेडियस है ना नहीं नहीं अर्थ का रेडियस नहीं अर्थ के ऑर्बिट का जो रेडियस है अरे यार अर्थ का रेडियस थोड़े पूछा जा रहा है अर्थ का रेडियस तो हमको पता है चौसठ किलोमीटर होता है ना ये अर्थ के ऑर्बिट का रेडियस जो है उससे मार्स के ऑर्बिट का जो रेडियस है वो 1.52 टाइम्स लगभग डेढ़ गुना ज्यादा है मैंने हम ये कह सकते हैं कि मार्स जो है वो अर्थ के रेस्पेक्ट में सॉरी सूरज से डेढ़ गुना ज्यादा डिस्टेंस पर ऐसा कह सकते हैं तब आपसे बोल रहा है कि वॉट इज लेंथ ऑफ द मार्शियन ईयर आपको बताना है कि मार्स का जो एक साल होगा वो कितना होगा और किस में बताना है डेज में बताना है हमारे लिए अर्थ के लिए बताइए एक साल कितने का होता है 365 डेज का होता है तो ये जो ईयर होता है ना इसका मतलब होता है टाइम पीरियड अरे एक साल का मतलब क्या हुआ कि सूरज का एक चक्कर लगाने में उसको कितना समय लगेगा तो तीन सौ पैंसठ दिन लगता है इसीलिए हम उसको एक साल कहते हैं तो मार्स को भी उतना ही टाइम थोड़े लगेगा ज्यादा लग सकता है कम लग सकता है वो रेडियस पर डिपेंड करेगा तो ये हमसे पूछ रहा है तो देखिए ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है हम सबसे पहले सन ड्रॉ कर लेते हैं और ये हो गया हमारा क्या बोलो ना अर्थ हो गया और ये हो गया कौन बताओ चांद हो गया अरे चांद के चक्कर में पड़ा रहता है मार्स है मंगल ग्रह है ये ये है अर्थ और ये कौन है ये मार्स है और अगर हम इसको बोल दें आर बोलो ना और तो इसको क्या 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 सॉरी इसको बोल दे आर तो ये हो जाएगा 1.52 आर अरे बोलो मतलब अगर रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ आर है तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ मार्स कितना होगा 1.52 आर हो जाएगा है कि नहीं तो हमने पढ़ा है टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब होता है पढ़ा है ना हम लोगों ने? ना? तो इसका क्या मतलब हुआ? कि क्या? का जो होगा रेडियस ऑफ of... नहीं रेडियस ऑफ अर्थ मत बोलिए थोड़ा सा गलत सेंस चला जाएगा रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ हाँ अपॉन रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ क्या मार्स के क्या क्यूब के हो जाएगा ये तुमको समझ में आया बाबू अगर ए डायरेक्टली पावर पांच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी का पावर, पावर सात तो इसका मतलब हुआ ए वन बाई ए टू का पावर पांच इक्वल टू बी वन बाई बी टू का पावर कितना ऐसा सात हो जाएगा क्लियर है ऐसा हो जाएगा ठीक है तो हम लोगों ने ऐसे ही लिखा हमको कॉम्पेयर किसके बीच में करना है टाइम पीरियड ऑफ अर्थ और टाइम पीरियड ऑफ मार्स के बीच में कंपैरिजन करना है तो टाइम पीरियड रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ मार्स के क्यूब के अब इसमें क्या है ना कि हमको पता है कि टाइम पीरियड ऑफ अर्थ जो होता है वो 365 डेज होता है क्या बोलो ना तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं थ्री सिक्सटी फाइव लेकिन पॉइंट टू फाइव भी लिखना होता है घंटा के लिए नहीं समझे एक्चुअल में देखा जाए तो तीन सौ पैंसठ दिन छंटा होता है तो वही छह छह घंटा चार साल में जोड़ के एक दिन बना दिया जाता है तो छह घंटा एक दिन का वन फोर्थ ही ना हुआ है और वन फोर्थ का मतलब होता है जीरो पॉइंट टू फाइव तो इसीलिए मैंने लिखा है तीन सौ पैंसठ दिन तीन सौ पैंसठ पॉइंट टू फाइव डेज ये छो घंटा को रिप्रेजेंट कर रहा है और डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड ऑफ क्या होगा मार्स होगा और उसका फिर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू हाँ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ को अगर हम लोग क्या माने आर माने तो बताइए रेडियस ऑफ मार्स को क्या मानना होगा वन पॉइंट फाइव टू मानना होगा हम सॉरी वन पॉइंट फाइव टू आर मानना होगा और फिर इसका क्यूब करना होगा इसे ये कैंसिल हो जाएगा बोलो स्क्वायर इधर जाके क्या बनेगा रूट बन जाएगा तो कहने का मतलब है डेज और डिवाइडेड टाइम पीरियड ऑफ मार्स इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट वन अपॉन वन पॉइंट फाइव टू का क्या बताइए क्यूब हो जाएगा अब हम लोग क्या करेंगे आ, इसको इधर भेज देंगे इसको कहाँ लेके आ जाएंगे नीचे लेके आ जाएंगे तो डे में, में ही तो मामूली कैलकुलेशन नहीं है पहले तो तुमको इसको क्यूब करना पड़ेगा फिर जो आंसर आएगा उसको उसका क्या निकालना पड़ेगा रूट निकालना पड़ेगा आप समझ रहे हैं तो यहां से हम लोग कैलकुलेशन सीख भी नहीं सकते हैं यहाँ से हम लोग क्या सीख रहे हैं कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं जा कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चंस कभी पूछे जाए कि एक का टाइम पीरियड दे दे और दूसरे का टाइम पीरियड पूछे तो हम वो रिलेशन इस्तेमाल कर सके टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब इस्तेमाल कर सके सही है दोबारा समझना ही है सी आर टी का है तो आंसर आप देख लीजिएगा कि उसमें क्या दिया हुआ है ठीक है आगे बढ़ते हैं एन सी आर टी की देखिये खासियत कहिए अच्छा है आप उसको उसकी कमी कहिए कि वो एग्जैक्ट डेटा इस्तेमाल करता है मैंने वो चाहता तो यहाँ दो भी तो दे सकता था नहीं समझे आप दो देता तो ये थोड़ा और आसान हो जाता ये हम लोग क्या करते वन अपन टू का क्यूब करते तो वन अपन एट हो जाता है फिर रूट करते तो वन अपन टू रूट टू हो जाता तो उसको सॉल्व करना हमारे लिए थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता लेकिन उसने एग्जैक्ट डेटा इस्तेमाल किया सही में जो मार्स है वो रेड अर्थ के ऑर्बिट के, के रेडियस से कितना दूर है वन टाइम्स दूर है ठीक है चलिए ये कह रहा है वेइंग ऑफ अर्थ ठीक है मतलब धरती का मास हमको मेजर करना है ठीक कुछ डेटा दिया हुआ है यू आर फॉलोइंग डेटा पहला है जी नाइन पॉइंट टू कितना 9.8 9.81 नहीं होता है 9.821 होता है टी है क्या कोई लेके आया है खरीदे हो

ये बता रहा है कि 6370 है तो 370 और सत्तर चार में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है हाँ ठीक है तो ये हम लोग लिखेंगे उसके बाद दिया हुआ है डिस्टेंस डिस्टेंस का, का, हाँ, टू द मून वो दिया हुआ है तो ठीक है पहले तो हम लोग ये कर लें, पहले तो अर्थ का रेडियस ये आर दे दिया है तुमको ठीक है उसके बाद तुमको अर्थ के सरफेस पर जो जी की वैल्यू होती है वो दे दिया है और तुमको दे दिया है मून का डिस्टेंस तो बाबू मून का डिस्टेंस जिसको अब हम लोग अगर कैपिटल आर से दिखाएं तो वो कितना दिया हुआ है थ्री पॉइंट एट फोर इंटू टेन टू दावर एट मीटर इसको हम लोग तीन लाख चौरासी हजार किलोमीटर भी कह सकते हैं ठीक है तो मून हमसे इतना दूर है एंड द टाइम पीरियड ऑफ दून रिवोल्यूशन इज इतना तो टाइम पीरियड भी हमको पता है ठीक है बोलिए टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है ट्वेंटी सेवन पॉइंट थ्री डेज इतना करके दिया हुआ है है ना? तो ये सब देने के बाद आपसे पूछ रहा है कि बताइए अर्थ का मास कितना होगा और ये भी आपको दो तरीकों से बताना है ठीक है तो सबसे पहला तरीका तो ये होगा कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है वो होता है जी हाँ क्या होता है फोर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम ई और उसके बाद ई प्लस एच ना अच्छा एक बात बताओ ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है मून का ये सेंटर से दिया है कि सरफेस से दिया है नहीं नहीं वो नहीं पूछ रहा हूं ये सेंटर से डिस्टेंस दिया है कि सरफेस से दिया है सेंटर से दिया है ना तो सेंटर से अगर दिया है तो हम डायरेक्ट इसको आर का क्यूब भी ले सकते हैं और अगर सरफेस से दिया होता है तो हमको आरई प्लस क्या लिखना होता है एच लिखना होता है ना और एच की जगह पे तब हमको इसको पुट करना होता है तो खैर कोई बात नहीं है सेंटर से ही आप इसको मान लीजिए और इतना कर लीजिए अब यहाँ हम लोग एम ई अगर निकालना चाहें तो क्या होगा फोर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई अरे एम ई को इधर भेजोगे ना तो जी हो जाएगा और फिर ठीक का स्क्वायर हो जाएगा और आर का क्यूब हो जाएगा सबका वैल्यू तो हमको पता ही है हमको दिया ही हुआ है डेज में दिया हुआ है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? तो पहले सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे सिक्सटी से मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं सॉरी हाँ चौबीस से मल्टीप्लाई करोगे तो डे में, तो, हाँ, तो, में फिर आ, हाँ वही आर्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा फिर सिक्सटी से मल्टीप्लाई करोगे तो मिनट में कन्वर्ट होगा फिर सिक्स से मल्टीप्लाई तो सेकंड में तो वो सब करने के बाद तुम यहाँ पुट कर लेना बाकी जी हमको पता ही होता है पाई पता ही है फोर पता ही है और आर भी हमको दिया ही हुआ है कितना दिया हुआ है इत, इतना दिया हुआ है तो पुट करने के बाद मिल जाएगा और लगभग लगभग यही आता है कितना सिक्स इंटू टेन टू दी पावर ट्वेंटी फोर के जी आ जाएगा दूसरा तरीका क्या हो सकता है तो बाबू हम जानते हैं कि स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है नहीं नहीं नाइन पॉइंट एट वन वो तो खैर दिया हुआ है स्मॉल जी की वैल्यू होती है जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई का स्क्वायर याद है जी एम ई अपॉन क्या आर स्क्वायर ये होता है तो अब हम इसमें जी की वैल्यू जान, जानते हैं हम आर की वैल्यू जानते हैं आर ई का वैल्यू दिया भी हुआ है कितना सिक्स पॉइंट थ्री सेवन इंटू टेन टू दी पावर सिक्स मीटर और स्मॉल जी का भी वैल्यू दिया हुआ है तो क्या हम यहां से एम ई -E नहीं निकाल लेंगे yes. बोलिए इसको इधर लेके चले जाइए इसको इधर लेके चले जाइए तो एम -E हो जाएगा जी इंटू आर का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना कैपिटल जी हो जाएगा बोलिए ना तो इस पूरे डेटा से हम दो तरीके से बता सकते हैं कि मास ऑफ अर्थ कितना होगा और यहां से भी आप कैलकुलेट करिएगा तो ये लगभग कितना आएगा सिक्स इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी फोर के जी ठीक है <coughs> बोलिए और किसी भी देखो प्लेनेट का जो मास वगैरह होता है ना वो इन्हीं तरीकों से निकाला जाता है अच्छा तो और क्या तुमको लग रहा है, कि है, है इस्तेमाल किए जाते हैं ठीक है आगे बढ़े ना ये दोबारा पूछना है तो मैं बता दूंगा एक बार फिर से अब लो ना पूछ रहे हो ना आगे बढ़ने दे रहे हो दोबारा बता दू बोलो ठीक है आगे बढ़ते हैं चलिए बोलता है एक्सप्रेस द कांस्टेंट के इन इक्वेशन टी स्क्वायर इज इक्वल टू के इन टू एच प्लस आर ई का पावर थ्री है अच्छा देखो हम लोगों ने तो पढ़ा है ना कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है अरे फोर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना e, और फिर आरस एच e का होल क्यूब ये ना पढ़ा है तो इसने कहा है कि टी e e का होल क्यूब हो इसका मतलब कहीं ना कहीं के, के जो है इन, इस पूरे की जगह पे लिखा हुआ है तो यहाँ से ना एक काम आप ये भी करिएगा कि के की वैल्यू को याद कर लीजिएगा क्योंकि जब कभी भी हमको टाइम पीरियड निकालना रहेगा इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा ना तो इसको सॉल्व करने से बचने के लिए यहां जो भी के की वैल्यू दी जाएगी या आए दिया होगा मेरे ख्याल से हाँ कितना दिया है लगभग टेन टू पावर माइनस तेरह तो अगर तुम इसको याद कर लेते हो तो डायरेक्ट पुट करके आसपास में तुम आंसर ला सकते हो ठीक है तो के जो कि इतने के बराबर है उसकी वैल्यू दी गई है हाँ कितनी दी गई है टेन टू दावर माइनस तेरह सेकेंड स्क्वायर पर मीटर क्यूब ऐसा करके दिया हुआ है ठीक है अब तुमको बताना है कि ये डेज और किलोमीटर्स में कितना होगा ये बाबू सेकंड और मीटर में ना दिया हुआ है आपको इसको कन्वर्ट किस में करना है डेज और किलोमीटर में यानी करना कुछ नहीं है इस सेकंड को हम दिन में बदलेंगे और मीटर को किस में बदलेंगे किलोमीटर में बदलेंगे क्वेश्चन यही एक्चुअली एक बार फिर से आप पढ़ के देख सकते हैं एक्सप्रेस द कांस्टेंट कौन सा कांस्टेंट के इन दिस इक्वेशन मतलब इस इक्वेशन में ये जो आपको के दिख रहा है उसको आप डेज और किलोमीटर में बदलिए अगर के की वैल्यू इतनी दी गई है तो तो क्या करना है 10 टू दी पावर माइनस थर्टीन को तो रहने देना है और सेकंड को हमको दिन में बदलना है तो बताओ ना सबसे पहले सेकंड वो बदलेगा किस में मिनट में कैसे बदलेगा बोलो तो वन बाई करोगे तो मिनट में नहीं बदल जाएगा अच्छा एक बार और सिक्सटी से मल्टीप्लाई करो मतलब मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करोगे एक्चुअली तो इक्कीस में बदल गया घंटे में बदल गया और एक बार फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे नीचे में कितने से चौबीस यानी चौबीस से डिवाइड कर रहे हो एक्चुअली में तो इक्कीस में बदल गया डेज में बदल गया तो हो गया अब हम हम यहाँ इसकी सेकंड जहाँ था उसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम ऐसा डेज लिखेंगे और लेकिन उसका स्क्वायर भी तो करना होगा अरे मिला जुला के देखा जाए तो ये सेकंड ही लिखा हुआ है बस सेकेंड को कन्वर्ट कर दिया है हमने किस में डेज में. में है कि नहीं और फिर डिवाइडेड बाई मीटर को तो किलोमीटर में कन्वर्ट कर ही सकते हो वन अपॉन अरे वन थाउजेंड करोगे तो मीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर में और यहां से आपको मिलेगा क्यूब ठीक है अब यहां से आप जो भी न्यूमेरिकल डेटा है इसको बाहर निकाल लीजिएगा ये वन वन अपॉन थाउजेंड को भी क्यूब करके बाहर निकाल लीजिएगा तो जो भी आपको आंसर मिलेगा वो किस में मिलेगा डेज का स्क्वायर पर किलोमीटर क्यूब में मिलेगा अरे बोलिए ना ठीक है तो अब ये भी कैलकुलेशन का पार्ट है वो अपना करिएगा तो यहां से मिल जाएगा जो कुछ भी मिलेगा जो भी हाथी घोड़ा मिलेगा मान लो हमको क्या मिला हाथी मिला वो किस में मिलेगा डेज का स्क्वायर पर किलोमीटर का क्यूब इतना मिलेगा कैलकुलेट कैलकुलेशन आप करिएगा ठीक है अगला कहता है कि द मून इज एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना इतना किलोमीटर ठीक है अब मान लीजिए कि ये आपका अर्थ है यहां पे मून है तो मून का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है बताइए दिया हुआ है टू पावर देखो किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर में दिया है तो पहला तो दिमाग में ये आना चाहिए कि हम इसको किस में कन्वर्ट कर लें मीटर में कन्वर्ट कर लें हम इसको कह दें थ्री पॉइंट एट फोर इंटू टेन टू दावर एट मीटर है लेकिन एक मिनट रुकिए पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए और देखिए ये आपसे क्या पूछ रहा है पूछ रहा है इट्स टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इन क्या डेज मतलब हमको आंसर सेकंड में नहीं चाहिए हमको टाइम पीरियड किस में चाहिए डे में, में चाहिए तो जो फॉर्मूला होता है टी स्क् टू फोर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम ई और फिर यहां क्या होता है लेकिन पता है मुझे जहां तक लग रहा है ना कि मून का ये जो डिस्टेंस दिया हुआ ये सरफेस से दिया हुआ है क्योंकि इक्वेशन में आर ई प्लस एच है ना तो ये सरफेस से दिया है अब एक बार एनसीआरटी में आप देख लीजिएगा वो कहां से है ठीक है लेकिन कोई बात नहीं है अगर हम लिखें यहां पर आर ई प्लस क्या एच का होल क्यूब ठीक है तो अब हमको निकालना क्या था अरे टाइम पीरियड ही ना निकालना है यही निकालना है लेकिन किस में निकालना है डे में निकालना है तो एक तरीका तो यह हो सकता है कि हम लोग आरी को चाहे जो एच दिया हुआ है इसको मीटर में कन्वर्ट करके पुट करें और सारा वैल्यू वगैरह पुट करेंगे तो आंसर हमको किस में मिलेगा सेकंड में मिलेगा फिर उस सेकंड को कन्वर्ट करें किस में डे में लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने इसकी वैल्यू जो है पिछले पार्ट में निकाल रखी है किस में निकाला है तुमने डेज का स्क्वायर पर किलोमीटर का क्यूब ना अरे बोलो ना इसका मतलब हुआ कि अगर के की वैल्यू तुम एज इट इज यही डाल दोगे डालोगे और जितने भी डिस्टेंस उनको तुम किस में रखोगे अगर किलोमीटर में रखोगे तो टाइम पीरियड अपने आप तुमको किस में मिल में मिल मिल जाएगा डे जाएगा क्लियर है तो किलोमीटर को मीटर में बदलकर फिर सेकंड को डे में बदलने की जरूरत नहीं है यहां जो भी हाथी है उसको आप यहां पर डाल दीजिएगा बोलिए ना कैलकुलेट करिएगा तो जो आपको टाइम पीरियड मिलेगा वो किस में मिलेगा घोड़ा आ गया चलो ठीक है बोल रहा है कि सर हम लोगों का नाम कहीं नहीं लिख रहे हैं आप है। इतना डेज हो जाएगा ठीक है दो तीन आदमी को ये समझ में आया है हाँ ठीक है तो चले ठीक है दोबारा समझना है एक चीज कंफर्म कर लीजिएगा कि पता नहीं ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है द मून इज एट डिस्टेंस खाली बोल दिया है बोलना चाहिए ना कि सरफेस है कि सेंटर से है तो एक बार ये चीज कंफर्म कर लीजिएगा ठीक है अरे हो गया ना ठीक है आगे बढ़ते हैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट सुनिएगा यह है अर्थ क्या है अरे रेडियस कितना है आर है मास कितना है एम है और एक सैटेलाइट है जो कि यहां से कितनी ऊंचाई पे है एच ऊंचाई पे और आपने उसको लॉन्च किया है किस स्पीड से वी स्पीड से अच्छा अगर हम ऑर्बिट के रेडियस की बात करें तो यहां से यहां तक अगर आर हो जाए तो बताइए आर इज इक्वल टू कितना होगा आर ई प्लस एच होगा ठीक है अब हमको बताना है कि इस सैटेलाइट की एनर्जी क्या होगी तो एनर्जी में दो एनर्जी आएगा एक आएगा काइनेटिक एनर्जी एक आएगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए ना ये बंधा हुआ है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जहां भी जिक्र होगा वहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी जिक्र होगा तो हम दोनों बारी बारी से निकालेंगे और निकालना बहुत आसान है सबसे पहले तो ये बताओ कि सैटेलाइट को सर्कुलर मोशन करने की जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा वो कौन प्रोवाइड करेगा अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स रोल प्ले करेगा किसका फोर्स का ठीक है तो ये चीज हम लोगों ने लिखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी फोर्स अब ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है जी और अर्थ के पूरे मास को हम कहा कंसीडर करेंगे सेंटर पे क्योंकि सैटेलाइट अर्थ के बाहर ना है तो पूरा मास उठा के सेंटर पर डाल दो तो जी एम ई और सैटेलाइट का मास कितना मान लिया जाए अगर एम मान लिया जाए तो जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आप डायरेक्ट आर लिख लीजिए जरूरत पड़ेगा तो हम आर की जगह आर प्लस एच कर लेंगे लेकिन आप डायरेक्ट क्या लिख लीजिए आर का स्क्वायर हो जाएगा अरे जी एम ओन एम टू अपन आर स्क्वा ठीक है डिवाइडेड सॉरी इक्वल टू फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है एम भी स्क्वायर अपॉन एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिला क्या एम भी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई एम डिवाइडेड बाई अरे बोलो ऐसा आर मिला हालांकि तुमको एकदम मन कर रहा होगा कि सर एम से एम को काट दीजिए लेकिन रुकिए एक मिनट इतना काट पीट करना ठीक नहीं है हमको काइनेटिक एनर्जी चाहिए अरे हमको एनर्जी ना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर और यहाँ आपको दिख रहा है एम बी स्क्वायर यानी इसी में अगर हम दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई एम डिवाइडेड बाई कितना ऐसा टू आर नहीं हो जाएगा और इसी को ना काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है तो हम लोग लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जी एम ई एम डिवाइडेड बाई टू आर इज इट क्लियर चलिए बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर तो पहले तो माइनस लिखो फिर जी लिखो एम वन की जगह धरती का मास ना होगा बोलो ना हाँ तो ये हो जाएगा एम ई -E और एम टू -E की जगह क्या सैटेलाइट का मास हो जाएगा और डिवाइडेड बाई आर की जगह पर हम आर ही लिखेंगे अरे बोलिए अब हमको चाहिए टोटल एनर्जी तो टोटल एनर्जी का मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या पोटेंशियल एनर्जी तो इसको और इसको जोड़ा जाए तो बाबू अगर इन दोनों को जोड़ोगे ठीक है तो इसमें से जी एम ई एम अपॉन आर तो कॉमन हो गया अरे दोनों में है भाई इसमें क्या बचेगा वन बाई टू और इसमें क्या बचेगा माइनस वन बचेगा तो हाफ माइनस वन कितना होता है माइनस हाफ होता है तो माइनस हाफ को सामने रखोगे तो हो जाएगा माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई कितना टू आर और ये हो गया आपका टोटल एनर्जी अब इन तीनों रिजल्ट्स को थोड़ा ध्यान से देखिए तो आपको ऐसा लगेगा कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी सेम ही है बस अंतर है तो प्लस और माइनस का काइनेटिक एनर्जी देखिए जी एम ई एम एम टू आर है ये भी तो जी एम ई एम टू आर है ना लेकिन बस काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है और टोटल एनर्जी नेगेटिव है तो हम लोग कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी जो होता है ना वो काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है नेगेटिव होता है मैंने अगर किसी ने कहा कि एक सैटेलाइट है जिसकी काइनेटिक एनर्जी है पचास जूल तो समझ लीजिएगा उसकी टोटल एनर्जी होगी माइनस पचास जूल ये है चलिए पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी को कंपेयर करिए तो आपको ऐसा लगेगा कि पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम आधा कर दें यानी दो से डिवाइड कर दें तो ये नहीं मिल जाएगा अरे इसमें और इसमें क्या अंतर है बस यहाँ दो नहीं है और यहाँ दो है तो अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को आधा कर दें बाई टू करिए और यहाँ भी बाई टू करिए तो ये बन जाएगा क्या टोटल एनर्जी यानी टोटल एनर्जी कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है क्या होता है आधा होता है तो ये ये सारे फॉर्मुल से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला रिलेशन है टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव होता है हां और पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है ठीक है देखिए आपकी किताब में लिखा होगा ये, और आप चाहे तो इस आर की जगह पे आर प्लस एच भी रख सकते हैं हो गया आगे बढ़े ठीक है क्वेश्चन है कहता है कि फोर हंड्रेड के जी सेटेलाइट इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कितना टू आ रही हाँ बढ़िया है इसका मतलब हुआ कि आप इसको अगर मानते हैं अर्थ ठीक है बोलिए ना तो यहां से आप चले जाइए कितने डिस्टेंस पे कहने का मतलब ये आरी होगा तो ये भी कितना होगा तो हाँ, तो मास्क दिया हुआ है ठीक है फिर कहता है हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इट टू अकुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कितना फोर आर आप बताइए कि हम इसको कितना एनर्जी दे दें कि वो यहाँ से हट के और कहा चला जाए फोर आरी डिस्टेंस पे चला जाए तो मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस है अरे ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है टोटल फोर आरी है तो इसके लिए आपको इस सैटेलाइट को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है हम यहां की एनर्जी निकाल लेंगे फिर यहां की एनर्जी निकाल लेंगे और हम इसके एनर्जी में से उसकी एनर्जी को माइनस कर लेंगे हमको पता चल जाएगा जा हाँ तो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं यहां की एनर्जी तो हम लोग टोटल एनर्जी को ई e से ही दिखा दे क्या ई e से दिखा देते हैं तो ई e इनिशियल कितना होगा तो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा है माइनस जी अरे बोलो एम ई एम डिवाइडेड बाई अरे टोटल एनर्जी है बाबू तो ऐसा टू आर ना आएगा तो टू आर की जगह पे हम कितना लेंगे अरे आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ दी ऑर्बिट तो आर की जगह पे हम कितना लेंगे हम टू ही ले लेंगे सही है तो यहां से हमको बताइए कितना मिल रहा है ये इनिशियल एनर्जी कितना मिल रहा है माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई फोर आर मिल रहा है ठीक है अब हम निकालेंगे फाइनल एनर्जी तो फाइनल एनर्जी का मतलब जिस समय वो यहां पहुंच चुका होगा तो फॉर्मूला तो वही यूज किया जाएगा माइनस जी एम की जगह पे अर्थ का मास ले लीजिए एम टू की जगह पे सैटेलाइट का मास ले लीजिए और बिल्कुल हम सैटेलाइट के मास की जगह रख लेंगे जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई और टू आर ना होता है तो टू तो लिखेंगे लेकिन R की जगह पे हम क्या लिखेंगे हम फोर आर लिखेंगे कुछ नहीं है बस फॉर्मूला में चीजों को पुट कर लेना है सही तरीके से ठीक है तो ये बताइए फाइनल एनर्जी कितनी होगी माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई एट आर ही ना होगा अब हमको पता करना है कि कितना एनर्जी हमको देना पड़ेगा तो क्या हम उसको डेल्टा ई से दिखा लें डेल्टा ई का मतलब हुआ चेंज इन एनर्जी yes. तो जितना एनर्जी तुम उसको दोगे उतना एनर्जी उसमें चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब होता है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी चलो फाइनल एनर्जी कितना है <laughs> इतना है माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई एट आर और माइनस इनिशियल एनर्जी कितना है माइनस जी एम ई एम डिवाइडेड बाई कितना तो फोर आ रही है क्या अच्छा तो इसमें से हम लोग जी एम ई एम अपॉन फोर आर ई को कॉमन ले लें बोलिए ना तो इसको कॉमन ले लीजिएगा तो इसमें क्या बचेगा माइनस वन बाई टू बचेगा और इसमें माइनस माइनस तो प्लस ना हो गया है प्लस वन बचेगा सही है अब तुम बताओ इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा तुमको तो हाँ यहां से तो आपको हाफ ना मिलेगा हाफ तो का टू नीचे जाके इसको एट बना देगा यानी जी एम ई एम डिवाइडेड बाई कितना तो एट आर ई इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी बोलो चलो ठीक है अब सुनो क्या है बोलता है कि वॉट आर द चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आप ये भी बताइए कि काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा और पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा अरे तो टोटल एनर्जी में इतना चेंज आया है जा ये चेंज इन टोटल एनर्जी ना है तो बाबू टोटल एनर्जी में कितना चेंज आया है एम जी एम ई एम अपॉन एट आ रही जी एम ई एम अपॉन एट आ रही अरे तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा इसी का नेगेटिव आ जाएगा नहीं समझ में आया इसी का नेगेटिव आ जाएगा माइनस जी एम ई एम अपॉन कितना एट आ रही और पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा नहीं 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 ऐसे गलत मत समझिए सुनिए एक मिनट टोटल एनर्जी इज टू होता है काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव और पोटेंशियल एनर्जी का आधा हमको पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालना होगा तो वो टू इन टू टोटल एनर्जी ना होगा काइनेटिक एनर्जी देखो क्या होगा इसको उधर लेके जाओ तो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना टू को उधर ना लेके जाओगे तो टू इन टू टोटल एनर्जी हो जाएगा बोलिए तो अगर हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए अरे बोलिए हाँ तो हमको टू इंटू चेंज इन क्या करना पड़ेगा टोटल एनर्जी करना पड़ेगा जा आ, तो बताइए चेंज इन टोटल एनर्जी का मतलब क्या हो गया जी एम ई एम डिवाइडेड बाई कितना एट आ रही अब इससे इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा जी एम ई एम अपॉन कितना फोर आ रही क्लियर है ठीक है और आप वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लीजिएगा एक और बात बताता हूं आप जब ये सॉल्व कर रहे होंगे अरे ये तो अभी हम लोगों ने वैल्यू पुट नहीं ना किया है सॉल्व कर रहे होंगे तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे uh, क्या एम एम e की जगह वही सिक्स इंटू टेन टू दाव ट्वेंटी फोर एम की जगह पे चार सौ के जी हाँ ठीक है आर e की जगह पे सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन टू दावर सिक्स ये सब पुट करके उसके बाद सॉल्व करोगे अरे ऐसा ही ना करोगे नहीं ऐसा नहीं करना आपको करना ये है कि आपको जी एम ई एम अपॉन क्या एट आरी जो लिखा हुआ है ना इसमें आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है आरी और किस से आरी से जिससे आप बना पाएंगे जी एम ई अपॉन आरी का स्क्वायर बोलिए जी एम ई अपॉन क्या आरी का स्क्वायर क्रिएट कर पाएंगे और फिर मिलेगा क्या आपको बताइए अलग से तो ये आर ई मिलेगा एक एम मिलेगा और नीचे में क्या मिलेगा एट मिलेगा आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू होती है स्मॉल जी अरे बोलो ना तो हो गया हम लिखेंगे स्मॉल जी इंटू आर ई इंटू एम डिवाइडेड बाई कितना अब देखना ये कितनी आसानी से सॉल्व हो जाता है ठीक है बताओ नाइन पॉइंट एट का ही के लिए रखोगे लगभग लगभग लग 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 इसको क्या करो अच्छा ठीक है, है कोई बात नहीं नाइन पॉइंट एट ही रखो

तो आठ से कितनी बार में जाएगा आठ बार में जाएगा तो कहने का मतलब लिख देता हूं मैं, ठीक है जब इसको सॉल्व किया जाता है तो ये आता है आठ चू कितना बत्तीस है बत्तीस गुना अंठानवे करोगे ना तो तीन सौ तेरह दशमलव छेगा ठीक है तो इसको लिख लो तीन सौ तेरह दस कितना छ इंटू टेन टू दी पावर सेवन जूल ठीक है अब हम ए, अगर इस डेसिमल को यहां लेके आए तो इसको टेन टू पावर क्या करना होगा नाइन करना होगा तो ये हो जाएगा थ्री पौँँट पौँँट वान थ्री और टेन टू पावर नाइन जूल टेन टू दी पावर नाइन को हम लोग गीगा भी कहते हैं तो इसका मतलब हुआ कि थ्री पॉइंट वन थ्री सिक्स गीगा जूल एनर्जी आपको देना पड़ेगा बोलो ना चलो ऐसा कहा नहीं ठीक है ठीक है अच्छा एक बात और बोलू तुम बताओ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा इतना एनर्जी हमने दिया बट स्टिल काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी घटाए घटेगा कि बढ़ेगा अरे तो यार यही आंसर आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर तुम लिखोगे तो तुम क्या लिखोगे ऑफ थ्री पॉइंट वन थ्री सिक्स और गीगा जूल तो ये घाटा ना है काइनेटिक देखो एनर्जी हमने दिया है लेकिन फिर भी काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ है घाटा है आप समझ रहे हैं हाँ क्यों घटा है मैं आपको बताता हूं आपको याद है सैटेलाइट का जो की वेलोसिटी का जो तो तो क्या क्या आया 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 था 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 अरे जी एम ई ई अपॉन आर प्लस एच तो याद रखिएगा हाइट जितना ज्यादा होगा वेलोसिटी उतनी ही तो जो सैटेलाइट जितना दूर लॉन्च किया जाता है उसकी स्पीड उतनी ही क्या होती है कम होती है प्लेनेटरी मोशन के साथ भी ऐसा होता है जो बहुत दूर है ना वो बड़ा धीरे धीरे मूव करता है और जो नजदीक है वो बहुत तेजी से मूव करता है तो ये बात याद रखिएगा तो चूंकि हमने ऑर्बिट का रेडियस बढ़ा दिया तो ऑर्बिट का रेडियस अगर बढ़ा दोगे चाहिए आर प्लस एस की जगह नॉर्मल आर लिखो ना तुम बढ़ा दोगे तो स्पीड कम नहीं हो जाएगी स्पीड कम हो जाने का मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी कम और कोई भी चीज कम हो रहा होता है तो उसका चेंज कैसा आता है नेगेटिव आता है तो हम लोग बोलेंगे कि इतना एनर्जी देंगे लेकिन काइनेटिक एनर्जी इतना कम हो जाएगा बोलो हाँ लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी घटेगा कि बढ़ेगा बोलो ना ये टू इन टू टोटल चेंज इन टोटल एनर्जी लिखा हुआ है ठीक है तो ये तो बढ़ेगा ना क्योंकि ये तो तो आया है बताइए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा तो कुछ नहीं करना है बस इसी का डबल कर लेना बोलो तो ये हो जाएगा सिक्स पॉइंट टू सेवन टू हो जाएगा और इतना गीगा जूल हो जाएगा तो हम जो एनर्जी देंगे ना उससे पोटेंशियल एनर्जी तो उसका बढ़ेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी घटेगा उसका ऐसा है कहानी ठीक है जैसे ऐसा समझो ना नॉर्मल भाड़ में गया सैटेलाइट का कॉन्सेप्ट इस पेन को अगर मुझको ऊपर भेजना है तो पहले तो क्या करना पड़ेगा हमको एनर्जी देना पड़ेगा देना पड़ेगा तो हम एनर्जी देंगे तो मान लीजिए कि कुछ स्पीड के साथ ये मेरे हाथ से छूटेगा तो ऊपर जाते समय क्या हो रहा है काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी नॉर्मल आगे बढ़े चलिए दो टाइप का सैटेलाइट होता है एक होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और एक होता है पोलर सैटेलाइट ठीक है जियो स्टेशनरी अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो जियो का मतलब होता है धरती और स्टेशनरी का मतलब होता है जो चीज रेस्ट में रहे का मतलब क्या होता है स्टेशनरी का मतलब किताब कॉपी का दुकान भी होता है तो क्या लग रहा है वो दोनों स्टेशनरी सेम होता है क्या नहीं किताब कॉपी की दुकान वाली स्टेशनरी में यहां पर आता है ई क्या आता है और जो चीज रेस्ट में होता है उसके लिए जो स्टेशनरी हम लोग लिखते हैं उसमें यहां पर क्या आता है वो एनई आर वाई हो जाता है वो एन ए आर वाई हो जाता है ठीक है तो हल्का सा डिफरेंस है दोनों में ठीक है तो स्टेशनरी यहां रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो नाम सही क्लियर हो गया कि अगर धरती के रेस्पेक्ट में कोई सैटेलाइट कैसा हो रेस्ट में हो तो उसको बोला जाएगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट समझ रहे हैं हाँ अब सुनिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आपको लग रहा है कि धरती के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहता है का मतलब हुआ कि रेस्ट में रहता है लेकिन एक्चुअल में वो रेस्ट में नहीं रहता है एक्चुअल में वो रेस्ट में नहीं रहता है वो भी मूव कर रहा होता है बता रहा हूं कैसे सुनो मान लो कि इंडिया वालों ने एक जियो स्टेशनरी सेटेलाइट लॉन्च कर दिया तो वो क्या चाहेंगे वो तो यही चाहेंगे ना कि हमेशा जब भी हम मुंडी उठा के देखे तो वो हमको दिखना चाहिए तब ना मेरे रेस्पेक्ट में वो रेस्ट में रहेगा हे भगवान हाँ मान लो कि किसी भी जैसे मेनली टेलीकोमिकेशन वगैरह के लिए इसको लॉन्च किया जाता है तो मान लो जियो नाम की कंपनी ने अपना एक सैटेलाइट लॉन्च कर लिया ठीक है तो वो तो हमेशा चाहेगा कि इंडिया के ही ऊपर रहे अब मान लो कि उसने सैटेलाइट लॉन्च किया और ये सैटेलाइट रेस्ट में हो गया अगर तो पता चलेगा कि लॉन्च करते समय वो इंडिया के ऊपर था थोड़ी देर के बाद धरती घूम जाएगा अभी पाकिस्तान के ऊपर रहेगा तो क्या हम इसको स्टेशनरी बोलेंगे इसके रेस्पेक्ट में स्टेशनरी पता है कब बोलेंगे जब जिस हिसाब से धरती रोटेट कर रहा है उसी हिसाब से ये सैटेलाइट भी रोटेट करे नहीं समझ में आए ना

अपने एक्सिस पे जितनी देर में वो एक चक्कर लगाएगा उतनी ही देर में इसको भी एक चक्कर लगाना होगा है कि नहीं तो बताइए अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड कितना होता है चौबीस घंटा yes, तो अर्थ अगर एक चक्कर 24 घंटा में लगाता है तो इसको भी तो एक चक्कर 24 घंटा में लगाना पड़ेगा yes. तब तो ना जब भी देखा जाएगा तो हमेशा सर के ऊपर ही आपको दिखाई देगा तो ये चीज होता है जियो स्टेशनरी सेटेलाइट के साथ दिस सेटेलाइट इज स्टेशनरी विथ रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट ऑफ द क्या

बाबू इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब हुआ ना कि धरती ऐसे ऐसे घूम रहा है बोलो तो उसका इक्वेटर कहाँ आता है यहां आता है तो इक्वेटर का जो प्लेन होगा उसी को इक्वेटोरियल प्लेन बोला जाएगा तो धरती अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है तो इसको भी ऐसे ही ऐसे घूमना पड़ेगा जा अभी ना कि धरती ऐसे घूम रहा है और ये ऐसे घूमने लगे तो ये जियो स्टेशनरी नहीं रहेगा धरती अगर ऐसे घूम रहा है इसको भी ऐसे घूमना पड़ेगा तो ये इक्वेटोरियल प्लेन में घूमता गु, है जियोस्टेशनरी स्टेशनरी वाइडली यूज फॉर टेलीकोम्युनिकेशन मोबाइल वगैरह में जो सेटेलाइट यूज होता है उसके लिए यूज किया जाता है ठीक है अगला है पोलर सेटेलाइट क्या है बोलिए पोलर सेटेलाइट तो बाबू पोलर सेटेलाइट लो अल्टीट्यूड के सैटेलाइट होते हैं अच्छा एक चीज और इसमें मैं बता देता हूँ जियो स्टेशनरी सेटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होता है ट्वेंटी फोर आवर्स ठीक है टाइम पीरियड हमको पता चल गया ट्वेंटी फोर आवर्स चाहे तो हम इसको सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बोलिए साठ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में फिर साठ से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा हम जानते हैं कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है वो होता है फोर पाई स्क्वायर अपॉन जी इन एम ई बोलिए ना और आर ई प्लस क्या एस का होल क्यूब होता है अब इसमें देखो हमको सब पता है टी की जगह हमको चौबीस घंटा रखना है सेकंड में बदल के फिर रखना है ठीक है पाई पता है जी पता 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 है है एम हमको पता तो आरी भी, आरी भी है तो क्या हम यहां से एच निकाल लेंगे हाँ और उसने कहा कि जैसे के का वैल्यू हमने पढ़ा था ना टेन टू दी पावर माइनस तेरा डायरेक्ट डाल दीजिएगा यहाँ टेन टू दी पावर माइनस तेरा ठीक है तो क्या हम एच की वैल्यू निकाल लेंगे तो एच की वैल्यू जब आप निकालिएगा तो वो आता है पता है कितना पैंतीस हजार 800 किलोमीटर ये कोई मामूली डिस्टेंस नहीं है अर्थ का रेडियस कितना होता है 6400 किलोमीटर ना है तो यह कहा समथिंग और ये कहा 35000 समथिंग मतलब लगभग मान के चलिए तो छह गुना डिस्टेंस पे साढ़े पांच गुना आप मान सकते हैं इसको लगभग साढ़े पांच गुना डिस्टेंस हाँ ऊपर इसको लॉन्च किया जाता है तो बहुत ऊंचा होता है ये ये धरती का रेडियस है तो लगभग मान के चलिए कि पांच गुना से तो ये बहुत कम ही दिख रही तो हमको लग रहा है कि तीन ही ढाई गुना ही मैंने दिखाया है अरे है कि नहीं तो अगर धरती यहाँ है तो उस समझ लेना वो सैटेलाइट यहाँ कहीं लॉन्च होता है अरे बात समझ रहे हो तो ये बहुत हाई अल्टीट्यूड वाले सेटेलाइट होते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं तो पोलर सेटेलाइट जो कि लास्ट टॉपिक रहेगा उसको देखेंगे कल जो है